पहाड़ों में होती लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कपकोट और गरुड़ क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने से सरयू और गोमती नदियां पूरे उफान पर हैं। हर कोई कुदरत के इस भयानक रूप को देखकर दहशत में है। बारिश के कारण लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लगातार होती बारिश से बागनाथ मंदिर के सभी घाट पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। कई जगहों पर पहाड़ों का मलबा गिरने से गाड़ियां दब गई हैं, जिसके चलते रास्तों में लोग फंस गए हैं। के टाइम पर आया और पूरा मकान में बिस्तरा जो था, खाने पीने का औजार बर्तन जो थे और राशन जो था सब ध्वस्त हो गया। और दुकान थी मेरी, छोटी मोटी दुकान थी, वहाँ वो दुकान का सामान पूरा क्लोज हो गया, सब सामान वो हो गया। वहीं जिले में बिगड़े हालातों को देखते हुए डीएम ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें सभी विभागों को बारिश से होने वाली परेशानियों से निपटने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए निर्देश दिए। देखिए, अभी जनपद में कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी तक जो बारिश के आंकड़े हैं तो कपकोट में 150 mm के करीब बारिश हो चुकी है और गरुड़ में 60 mm बारिश रिपोर्टेड है और बागेश्वर में भी 18-20 mm के करीब बारिश रिपोर्टेड है। और अभी हमारी जो कांडा तहसील है, दुगनापुरी काफलीगर, वहाँ से भी काफ़ी बारिश की सूचना प्राप्त हुई है। इस तरह से हमारी जनपद में काफ़ी बारिश लगातार हो रही है और अभी तक जो हमारा NH है वो तो खुला हुआ है, कहीं से भी बंद नहीं है। जो हमारी SH है, जो कपकोट बागेश्वर रोड है और ग्वालदम वाली जो रोड है, तो ये भी बंद हो गई है, लेकिन JCB भेज दी गई है और एक आध घंटे में खुलने की उम्मीद है। और हमारी जो MDR है, जो विलेज रोड है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर मलबा आने के कारण कपकोट मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। वहीं जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 18 सड़कें भी बारिश की वजह से बंद हो गई हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से जिले का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से गांव का संपर्क सरकारी कार्यालयों से टूट गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।